ପଢଉଛି ହେବେ। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बर्तमान आम स्टार्ट करवा एग्जाम आम समस्त जाने जे बैंक रो एग्जाम जो हमर अच्छी बैंकिंग सेक्टर एग्जाम ठीक अच्छे आमर बर्तमान ये नेक्स्ट वीक ठारु बैंकिंग सेक्टर एग्जाम आम बर्तमान रेगुलरली अच्छे प्रत्येक विक्रे ठीक अच्छे। तो से ही एग्जाम को आम नजर रखी किसी गोटे नुआ ट्राए करूचे ठीक अच्छे। जमीक क्लास लेंथ बहुत ही सर्ट र मात्र 7 मिनिट या फिर 6 मिनिट क्लास रहा किंतु आम ट्राए करवा मैक्सिमम आरिथमेटिक क्वेश्चन जो जिन पिला बहुत प्रोब्लेम हुए आरिथमेटिक प्रोब्लेम बहुत पिलाने फेस करते एग्जाम टाइम रे। तो से जिनसर ओवरकम केमती है तो से गोटे आम सल्यूशन नहींक्र आसचु जो थी कि आम कौन रहा 7 मिनिट मात्र कौन रहा सर क्लास रो थी 10 आरिथमेटिक क्वेश्चन र ठीक अच्छे। 10 आरिथमेटिक क्वेश्चन रहा आ प्रत्येक दिन ये क्लास वर्तमान ना कंटिन्यू हम जो थी कि आज आम अच्छे कौन ना सर डे वन। तो डे वन क्लास को आम स्टार्ट करवा बेसी टाइम आम नेबानी टोटाली टाइम आम वेस्ट करवानी जो 7 मिनिट टाइम अच्छे से 7 मिनिट भितर ट्राए करवा 10 जगह आरिथमेटिक क्वेश्चन को सल्व करवा सल्व कर सारा क्लास शेष पर तुम मैंने से क्वेश्चन को निजे एगेन ट्राए कर कहीं जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी एक्जाक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन अच्छे ठीक अच्छे। तो टाइम वेस्ट आउ करबनी फर्स्ट क्वेश्चन हम आरंभ करबा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मते देथला ए 162 लीटर ऑफ द मिक्सचर मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 दैट मींस सर मो पाखरे जो मिल्क आउ वाटर अछि रेशियो केते अछि कहो ना सर 4:5 रेशियो अछि। देन मते क्वेश्चन देला कोन ना सर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क शुड बी एडेड त माने वर्तमान में ऐड कोन करबा एथरे ना सर मिल्क हमें वर्तमान ऐड करबा। अच्छा मिल्क जदि ऐड करबा टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्ट एंड मिक्सचर बिकम 11:9 त माने मिल्क ऐड कला पर मो पाखरे रेशियो केते हिजो ना सर 11:9 हिजो। आम गोटे जिनस मिक्सर एलिगेसन जाने कौन ना सर जदि मिल्क क्वांटिटी चेंजेस आसूसी दैट मीनस आम वाटर जो रेसीो अच्छे से इक्वाल रहा दरकार तो आम आपको इक्वाल करदे मुझे सर या 9 रे मल्टीप्लाई करदे सर या 5 रे मल्टीप्लाई करदे। अच्छा पेन रलर टे चेज करदे देखा जा देख अच्छा 9 रे मल्टीप्लाई कल वैल्यू के कहना सर ये मोर 36 होती मो पाखे वैल्यू के ना सर 45 होगा देन या 5 रे मल्टीप्लाई करदे के कहना सर 55 होगा देन या मल्टीप्लाई कले के ना सर 45 होगा। अच्छा देख ली टोटल क्वांटिटी मो पाखे के ना सर 81 यूनिट क्वेश्चन ने मतलब केते देला टोटल क्वांटिटी ना सर 162 यूनिट क्वेश्चन ने मतलब पचारे कौन ना सर के मिल्क आम आड करवा दैट मीन देख ली ये 36 ये 55 अच्छी तो सर 19 यूनिट आम मिल्क आड करे तो 81 यूनिट रैल्यू जो 162 तो 1 यूनिट रैल्यू के ना सर 2 हम तो 19 यूनिट रैल्यू के ना सर 38 लिटर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि प्रथम नंबर क्वेश्चन पूरा क्लियर हो डिटेल बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो गोटे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 दला ए कैडेट अलोन कैन फिनिश ए जॉब इन 23 डेज ए सोल्जर इज 30% मोर एफिशिएंट देन ए कैडेट इन हाउ मेनी डेज क्यान ए कैडेट एंड ए सोल्जर टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अच्छा मतलब कह सोल्जर एफिशिएंसी कैडेट ठार के अधिक अच्छी कह ना सर 30% दैट मीन एफिशिएंसी रो रेशियो के ना सर एफिशिएंसी रो रेशियो जो मो पाखे 13:10। अच्छा मतलब वर्तमान कह कैडेट एकुटिया काम को केते दिन शेष कर सर 23 दिन में जदि 23 दिन में शेष कर एफिशिएंसी कैडेट रो 10 अच्छी तो टोटल काम केगला ना सर 230 क्वेश्चन दे इन हाउ मेनी डेज कैन ए कैडेट एंड ए सोल्जर कंप्लीट द सेम वर्क गोटे कैडेट आउ सोल्जर मिसिकी काम को केते दिन शेष करेंगे पचार एफिशिएंसी मिसेकर के ना सर 23 तो डिवाइडेड बाय 23 कले वैल्यू मतलब केते दबो ना सर 10 डेज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 शेष नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 दे ए स्टोर रूम हाज ओनली स्टील एंड कॉपर रॉड इन द रेशियो 5:6 तमाने स्टील रोड कॉपर रोड रेशियो केते अछि मते कह ना सर रेशियो अछि मो पाखरे सर 5:6 देन मते कोन दे छि एंड द वेट ऑफ द ईच स्टील एंड ईच कॉपर रोड इज इन द रेशियो 4:7 को रेशियो रे अछंती को वर्तमान मो पाखरे केते केते केजी रो ना सर 4:7 रेशियो रे वर्तमान वेट से मानकर अछि। अगेन पढाइयो लाइन द ए स्टोर रूम हैज ओनली स्टील एंड कॉपर रोड इन द रेशियो 5:6 रेस्पेक्टिवली एंड द वेट ऑफ द ईच स्टील एंड कॉपर रोड इज इन द रेशियो 4:7
देन मत देला कौन ना सर इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल द रॉड्स इन द स्टोर रूम इज 248 अच्छा मत वर्तमान को टोटल वेट केते होची स्टील रॉड सर 5 यूनिट रो छि आ पर केजी 4 जदी होची तो टोटल वेट केते हिजो 20 एथि टोटल वेट केते हिजो 42 तो टोटल वेट मिसिकरी केते होगला ना सर 62 यूनिट रो होगला जदि 62 यूनिट रहला क्वेश्चन केते देजे ना सर 248 दैट मींस सर 62 यूनिट रो वैल्यू मते 248 देजे तो 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 4 आसीबो क्वेश्चन पचार सर वेट ऑफ द वन स्टील रॉड वेट केते हो मते पचार तो एबे वर्तमान मते गोटे जिनस कह वन स्टील रॉड माने कौन ना सर स्टील रॉड एठी अछि यूनिट केते अछि 20 अच्छा एबे वर्तमान मते को क्वेश्चन देथला वन स्टील रॉड अच्छा मो पकरे क्वांटिटी केते अछि जणा अछि कि क्वांटिटी केते अछि जणा अछि कि जणा नाही किंतु एति कि मु केवल जानिले कोन सर 1 यूनिट रो वैल्यू 4 आसीबो जदे मते क्वांटिटी हि जणा नाही तो गोटे स्टील रॉड रो वेट केते होबो मते जणा पड़िबोनी दैट मींस आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्लियर ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एक्स प्लस 400 ए कौन कर ची ना सर एक्स प्लस 400 रुपीज नहीं बिजनेस को स्टार्ट कर ची आफ्टर 6 मंथ बी जॉइंड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स माइनस 500 बी केते इन्वेस्ट कर ची ना सर एक्स माइनस 500 इफ आट द एंड ऑफ 2 ईयर दैट मीन सर ये ए मोर टोटल 2 वर्ष इन्वेस्ट कर ची तो बी मोर केते मास इन्वेस्ट करिवो ना सर बी मोर 6 मास पर इन्वेस्ट कर ची दैट मीन 1.5 वर्ष तो वैल्यू केते हो ना सर 3/2 क्लियर हो जे अच्छा देख लो कैपिटल इनटू टाइम पीरियड मते वैल्यू कोन दबो ना सर मते प्रॉफिट रो रेशियो मिलबो अच्छा प्रॉफिट रो वैल्यू केते अछि 8000 5000 दैट मींस रेशियो केते अछि ना सर 8/5 अच्छा ये 2 मोर ऊपर साइड को पळे जइबो तो कोन याको मु लेखि परबि एक्स प्लस 400 होल इनटू 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 अच्छा ये 4 के आसे त कैंसिल करले 2 टाइम्स हो एबे क्रॉस मल्टीप्लाई करबा अच्छा देखलो क्रॉस मल्टीप्लाई करले 5x ए गेलम ऊपर केते 2000 दैट मींस सर 5x प्लस 2000 इज इक्वल टू 3 दुगुने 6 मल्टीप्लाई करले केते होबो कहो ना सर 6x माइनस 3000 तो एठो x रो वैल्यू केते आसीबो ना सर x रो वैल्यू मते मिल गेला सर 5000 जदि एक्स रो वैल्यू 5000 क्वेश्चन पचार थला कोन फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी बी द्वारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट केते हिथला ना सर एक्स माइनस 500 तो या धर 500 जदि हमें माइनस करिबा आंसर आसीबो केते ना सर 4500 ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर होप कि 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाइथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को वर्तमान बढ़िबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला अब्दुल्स यूजुअल स्पीड वर्क एट अब्दुल यूजुअली वर्क्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम टू जिम इफ ही वर्क्स एट ए स्पीड इक्वल टू 125% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड दैट मीन्स कौन ना सर जदि से यूजुअल स्पीड जाऊला सर 4 यूनिट रे एबे वर्तमान केते स्पीड रे जाइछि ना सर वर्तमान तार जो स्पीड अछि से वर्तमान बढ़ी जाइछि केते ना सर 25% बढ़ी जाइछि दैट मीन्स 5 यूनिट स्पीड रे जाउछि अच्छा मत को स्पीड रो रेशियो जदि 4 5 तो टाइम रो रेशियो कोन मो पखरे 5 आ 4 हि जइबो त माने वर्तमान कम टाइम लागिवो काहे कि ना तार स्पीड बढ़ी जाइछे अच्छा केते कम टाइम लागि जे क्वेश्चन दे जे देखो ना सर रीचेस द जिम 36 मिनट इयरली त माने 36 मिनट जल्दी से वर्तमान पहुंच जाउछे तो मते वर्तमान को एटी 1 यूनिट रो वैल्यू केते आसला ना सर 36 तो 5 यूनिट रो वैल्यू केते आसीबो ना सर 180 मिनट 180 मिनट माने केते घंटा लागु जे देखो ना सर 3 घंटा तक लागि जाउछे जगह पहुंच जाए कौन ये जिनस क्लीअर हो जाए 3 घंटा तक जगह पहुंचापी लगुच तार यूजुअल स्पीड के कहो ना सर 12 किलोमीटर पर आवर तो टोटल डिस्टेंस के सर टोटल डिस्टेंस है 36 किलोमीटर तो 36 किलोमीटर जब बर्तमान टोटल डिस्टेंस आसला क्वेश्चन इफ ही वर्क्स एट 80% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड तमाने निजर यूजुअल स्पीड रो 80% स्पीड रे जदी जाए तो मते वर्तमान को यूजुअल स्पीड को जदी मु 4 नेली तो वर्तमान सॉरी 5 नेली तो मते को वर्तमान से केते स्पीड रे जाउची ना सर 4 स्पीड रे जाउची तो टाइम रो रेशियो उल्टी जीवो सर 5 आ 4 ही जीवो यस और नो अच्छा ये 4 यूनिट जीवा पई देखो केते समय लागुथला 180 तो 5 यूनिट जीवा पई केते समय लागिवो ना सर 225 मिनिट रा माने कोन ना सर 3 घंटा 45 मिनिट आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो जाइथिबो बढ़िबा बे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन ट्रैवल 90 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 270 मिनट। ये 270 मिनट रा माने कोन ना सर, 4 घंटा 30 मिनट, त माने 90 किलोमीटर जदि से 4 घंटा 30 मिनट रे जाउची, दैट मींस डिवाइडेड बाय 9 इनटू 2, काहे ना सर 4 घंटा को जदि हम लिखु छे त कहि परबा सर 9 बाय 2 आवर, 9 को कैंसिल करले सर 10 दबो त वैल्यू केते आसला 20। ये 20 कोन आसीबो ना सर अपस्ट्रीम रे जाउची, दैट मींस सर x माइनस y रो वैल्यू केते आसला 20 आसला। आगे बढ़ो, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4, त माने y रो वैल्यू मते केते दिछि 4, तो x रो वैल्यू केते आसीबो कोन सर 24। जदि x रो वैल्यू 24 आसला तो डाउन स्ट्रीम रो स्पीड केते हि जइबो ना सर 24 प्लस ये 4, दैट मींस सर 28 हे गला। क्लियर, आगे बढ़ो, कोन दिछि देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन केते घंटा, ना सर 150 मिनट, 150 मिनट माने 2 घंटा आउ 30 मिनट। अच्छा 2 घंटा 30 मिनट माने कोन ना सर 5 बाय 2 आवर, स्पीड थिला 28, 2 रे कैंसिल करले 14, तो 14 पंचा केते आसीबो 70। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाइथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा, क्वेश्चन निजे बर्तमान देखी पार्थ, ये क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी एक्जाक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन अच्छी, आउ ए टाइप रही एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबार अच्छी, तो भलरे प्रैक्टिस करो। ये सीरीज बर्तमान हमरा कंटिन्यू रहिबो, आ प्रत्येक दिन राति 9:00 मात्र 7 मिनट टाइम यूज करो, आ ये वीडियो को देखो, ठीक अच्छे। आ तुम एग्जाम रे जो अरिथमेटिक सेक्शन बहुत ही बेटर हो जाए यापर ठार। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देला कौन मते ना सर, ए रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 5:4, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 126। अच्छा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जदि मते देछि त माने हम कहि परबि 2 होल इनटू 5x + 4x रा वैल्यू केते आसीबो ना सर 5x + 4x 126, त माने सर 2 इनटू 9x रा वैल्यू केते आसला 126। अच्छा 9 रे को कैंसिल करले केते दबो ना सर 9 1 जा 9 4 जा देन 2 रे कैंसिल करले 7, तो x रा वैल्यू केते आसला 7। क्वेश्चन मते पचर जे फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया केते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस 20 इनटू x रो वैल्यू 7 माने x स्क्वायर, दैट मींस 49, तो मल्टीप्लाई करले केते आसीबो ना सर 980। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टिंग 7500 फॉर 2 ईयर इन स्कीम ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा कंपाउंडेड एनुअली देछि, कंपाउंड इंटरेस्ट पचर छि, हम जानि छ कंपाउंड इंटरेस्ट सबोले सक्सेसिवली कैलकुलेट करै छै। जदि सक्सेसिवली कैलकुलेट करै छै त मो पखरे केते थिला प्रिंसिपल ना सर 7500, 12% फ्रैक्शनल वैल्यू केते ना सर 3/25, तो अमाउंट केते हि जइबो ना सर 28/25 * 28/25, 25 रे कैंसिल करले केते दबो को ना सर 25 रे कैंसिल करले 25 3 75 300, 25 रे कैंसिल करले केते दबो ना सर 12, 28 रे स्क्वायर केते ना सर 784 * 12 केते आसीबो को 12 48 8 4 12 9 6 100 10 12 84 10 केते आसीबो 94, दैट मींस 9408। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर ये क्वेश्चन, आगो बढ़िबा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑफिस हैज ओनली 20 मेन एंड 24 वुमेन, द एवरेज वेट ऑफ ईच मैन एंड ईच वुमेन आर 18 एंड 15, अच्छा एठी 18 किलोमीटर हो जाइछ, एको 18 केजी कर दो, ठीक अछि, 18 केजी एंड 15 केजी रेस्पेक्टिवली, इफ 2 पर्सन ऑफ वेट 20 केजी एंड 28 केजी लीव्स द ऑफिस, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग पर्सन, वुमेन प्लस मेन मिसिकरी इन दैट ऑफिस। अच्छा मतलब 20 मेन एवरेज केते थला 18, दैट मींस टोटल केते आसीबो सम 360। अच्छा 24 वुमेन एवरेज थला 15, टोटल केते आसीबो ना सर अगेन 360, वैल्यू केते हेगला ना सर 720, 720 टोटल वैल्यू रो मोर केते माइनस हबो को ना सर 20 केजी वाला गोटे पर्सन आ 28 केजी वाला गोटे पर्सन पळई गले, तो रहिला केते मो पाखरे कोहो ना सर 672। अच्छा 2 जण पळई जंदी, टोटल केते जण थिलो 44 जण, बळिले केते जण ना सर 42 जण, तो 42 रे कैंसिल केते केते जबो ना सर 42 1000 देन 42 6000, तो आंसर केते हेगला ना सर 16। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन को जीवा देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अछि, एन आइटम इज मार्क्ड ऑफ 45% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हमें जानि छ कोन ना सर मार्क प्राइस या फिर मार्कअप परसेंटेज
डिस्काउंट परसेंटेज आउ प्रॉफिट परसेंटेज सबुबले सक्सेसिवली कैलकुलेट करा जांदी काहेकि सक्सेसिव कैलकुलेट करा जाए ना सर कॉस्ट प्राइस रे हम कहां पे को जाचे मार्क प्राइस को दैट मींस मार्कअप परसेंटेज यूज होउची मार्क प्राइस रे हम आस्ते कहां पे को सेलिंग प्राइस को दैट मींस डिस्काउंट परसेंटेज यूज होउची सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऊपर कोन यूज वे ना सर प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज दैट मींस मते ये प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज पाइबे पई दीटा सक्सेसिव कैलकुलेशन करिया पई पड़े सक्सेसिव कहार परसेंटेज रो गोटे हूँ मार्कअप आउ डिस्काउंट रो तो मत कह मार्कअप के ना सर 45% डिस्काउंट के ना सर 20% माइनस 45 गुणन 20 डिवाइडेड बाय 100 20 रे कैंसल कले 5 रे कैंसल कले 9 तो वैल्यू के ना सर 25 - 9 दैट मीन 16% रो प्रॉफिट क्वेश्चन कौन देता प्रॉफिट अर्नड दिस ट्रांजैक्शन इज 48 रुपीज दैट मीन ये 16% वैल्यू के 48 तो मतलब 100% मैंने कॉस्ट प्राइस वैल्यू के पचार 16 रे कैंसल कले 3 तो 100 रे मल्टीप्लाई कले कैसे आसो सर 300 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर तो देखो 10 जगह क्वेश्चन आज बर्तमान सरी जाइए ठीक अच्छे पुणी आउ देखा हाँ नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे सेम जिनस रत मिनिट मात्र क्लास रहा भितर आम 10 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम मुझे ट्राए करी 10-12 क्वेश्चन आरिथमेटिक रे सॉल्व करने जहाँ भी तुम मन प्रॉब्लम होग्जाम को नहीं कि सर आम डीआई हो पार नहीं या फिर नंबर सीरीज हो पार नहीं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पार नहीं सिंप्लीफिकेशन हो पार नहीं जहाँ भी तुम मैंने कमेंट रे कह से अनुसार आम आगे फर्दर बढ़िया एवं बर्तमान आरिथमेटिक सीरीज को कंटिन्यू करवा जहाँ भी आरिथमेटिक डाउट हो तुम क्लीयर कर क्वेश्चन को घर बसिक सल्व भी कर ठीक अच्छे थैंक यू टाटा बाय बाय।